हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये कुशन कवर का डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन से कुशन कवर, पिल्लो कवर, बेडशीट या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए ये मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है, तो ये मल्टी कलर का हमारा बनेगा, बाकी के कलर में बाद में यूज करूंगी। तो पहले ये दो कलर है हमारे, तो जैसे सबसे पहले हमारा ये कलर है, ये हमारा 2.5 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी 2.5 इंचेस है। और ये दूसरा पीस है, ये हमारा 3 इंच है, यहाँ से भी 3 इंचेस है। जैसे ये पीस है हमारा, तो इसे हमें इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है, तो दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह लगानी है। ये लाइनें हमारी बराबर लगनी चाहिए, ये इस तरह से हमारी क्रॉस में लाइन लगी है, इसी तरह हमें कट कर लेनी है बराबर एकदम। ये भी काट लेंगे, ये 4 पीस बन गए हैं। अब जैसे ये पीस है, इसे हमें इस पीस के ऊपर इस तरह से ऐसे लगाना है। जैसे एक लगा हमारा, तो ये दूसरा लगाएंगे। तो जैसे अगर थोड़ा थोड़ा आगे कपड़ा बड़ा है ये, तो दोनों साइड में हमें बराबर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पीस मैंने इस तरह से सिल दिए हैं। अब इनको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये दूसरे पीस हैं, इनको भी हमें यहाँ पे सिलना है। जैसे ये सिलेंगे और ये इसके साथ सिलेंगे। ये दोनों पीस भी यहाँ पे मैंने सिल दिए हैं। अब इस तरह से हमें इन्हें कर लेना है और यहाँ पे प्रेस कर देनी है। यहाँ पर प्रेस मैंने कर दी है। अब जैसे सिलते टाइम ये कपड़ा हमारा थोड़ा इस तरह से हो जाता है, तो यहाँ पे हमें इस तरह सीधी लाइन लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कट कर देना है सभी साइडों से। ये पीस इस तरह से हमारा बन गया है। इसके बाद हमें ये रेड कलर का, जो कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो मैंने ये रेड कलर लिया है। तो जैसे ये पीस है, इसे हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके बराबर ही ये पीस कट कर लेना है। ये रेड कलर का पीस इसके बराबर ही है हमारा। तो जैसे ये पीस हमें इसी तरह रखना है, ऐसे सीधी साइड अंदर को आएगी और रेड पीस हमारा नीचे ऐसे आएगा। अब हमें यहाँ से सिलाई करनी है चारों ओर से। ये सिलाई चारों ओर से कर दी है। अब जैसे ये कॉर्नर है, इन्हें हमें इस तरह से कट कर लेना है, ऐसे चारों कॉर्नर हमें इसी तरह कट करने हैं, सिलाई के पास से कट करने हैं कॉर्नर से एकदम से। इसके बाद इस पीस को हमें ऐसे करना है, रखना है, और ये कॉर्नर है हमारा, जैसे यहाँ से तिरछी लाइन ऐसे लगा लेंगे, ये लाइन लग गई। और इस साइड को भी हमें ये लाइन लगानी है, ये क्रॉस में हमारी लाइन लग गई है। अब जैसे ये हमारे 2 पीस हो गए हैं, इनको हमें इस तरह से अलग कर लेना है। तो ये हमारी जैसे मार्किंग है, ये हमें इस तरह से बराबर कर लेनी है। ये दोनों टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा थोड़ा कपड़ा टेढ़ा कट जाएगा। ऐसे कट लगाया, फिर इस कट को हमें यहाँ तक आगे तक कट कर लेना है। ये भी इसी तरह कट कर लेंगे और ये भी। ये कटिंग हो गई है। अब जैसे ये जो हमारे पार्ट हैं, इनको हमें इस तरह से ऐसे करना है और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद ये पीस हमारा इस तरह से बना है। और अगर हमारा जैसे इस तरह से थोड़ा आगे पीछे हो गया है कपड़ा, तो उसे हमें कट कर लेना है चारों ओर से। ये पीस इतना बन गया है। इसके बाद हमें इसी के साइज का एक और पीस लेना है। जैसे इसी के साइज का है ये हमारा इस तरह से, तो जैसे ये पीस हमें इस तरह रखना है सीधा, ये इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने लगा दी है। अब जैसे पहले हमने इस तरह से ये मार्किंग की थी, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिला के और ये कॉर्नर इससे मिला के ये मार्किंग ऐसे हो गई है। अब जैसे ये कॉर्नर है, इन्हें हमें कट कर लेना है। इसके बाद ये दोनों कपड़े हैं हमारे, 2 पीस हैं, तो इनको अलग करके ये हम इस तरह से ये सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे और बाकी के पीस
इसी तरह कट कर लेंगे। ये जो निशान है सारे कट करने हैं, ये कटिंग कर दी है। अब इस तरह से फिर से हमें ऐसे खोलने हैं और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। प्रेस मैंने कर दी है। अब जैसे ये कपड़ा हमारा थोड़ा इस तरह से आगे पीछे हो जाता है, इसे हमें कट कर लेना है। ये इतना पीस बन गया है। इसके बाद हम ग्रीन कलर का लेंगे इसी की साइज का। जैसे ये पीस हमें इस तरह से रखना है और ग्रीन ऐसे रख के चारों ओर से सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैंने लगा दी चारों ओर से। अब जैसे हमने पहले क्रॉस में लगाई थी लाइन, उसी तरह क्रॉस में लगा लेंगे। ये क्रॉस में लाइन लग गई है। अब जैसे पहले हमने काटे हैं उसी तरह कॉर्नर काट के ये सेंटर का भी कट कर लेंगे। ये कट कर लिया मैंने पीस। अब इस तरह से खुलेंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। अब ये डिजाइन हमारा अब तक इतना बन गया है। तो ये पांच कलर हमारे लग गए हैं। इसके बाद हमें जैसे फिर से ये वाला ब्लू वाला कलर लेना है, तो इसी के साइज का है। तो इसे हमें इस तरह से ऐसे रखना है, ये इस तरह से रख के चारों ओर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमें ये कॉर्नर काट लेने हैं चारों, और ये बीच का भी सेंटर का काट लेंगे। जैसे हमने पहले किया उसी तरह रिपीट करेंगे। ये कटिंग भी मैंने कर दी है इस तरह से। अब इस पीस को हमें इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। इतना पीस बन गया है। इसके बाद हमें ऑरेंज कलर का इसी के बराबर लेना है और चारों ओर से सिलाई लगा देनी है। ये पीस भी लग गया है हमारा। इससे भी हमें इस तरह से खोलना है और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। ये पीस भी हमारा लग गया है। तो ये हमारा इस तरह से बन गया है। आगे जितना बड़ा बनाना चाहो इसी तरह से पीस लगाते जाओ, आगे आगे हमारा बड़ा बनता जाएगा जितना बड़ा आपको बनाना है। तो ये हमारा बना है 7 इंच, यहाँ से भी 7 इंच। तो जैसे इसको हमें, ये मैंने ऑरेंज लगाया, इसके बाद हम रेड लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे, तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर हमें जैसे इतना ही रखना है, 7 इंच है ये हमारा, तो इस तरह के ब्लॉक बना लीजिए और जैसे आगे ज्वाइन करेंगे इसे, इसके साथ सिलेंगे तो ये हमारा आगे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बहुत ही सुंदर हमारा बनता है। तो इस तरह एक जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तो ये हमारा 14 इंच हो जाएगा। यहाँ पे भी जो चार हमारे ये बनेंगे इस तरह के पीस, जैसे बेडशीट बनानी है या कुशन कवर बनाना है तो उस हिसाब से ये पीसेस बना लें और आगे आगे जोड़ते जाएं, तो बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बनता है बेडशीट का। इस डिज़ाइन से आप कुशन कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।